नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश चंद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक सुरेश चंद। दोस्तों, यहां हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई जो भी नई अपडेट होती है वो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, और जो लोग नए हैं वो आइकॉन बेल जरूर प्रेस करना ताकि हमारा जो भी नया नोटिफिकेशन होता है वो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों तक पहुंच जाए और आप उसका भरपूर फायदा उठा सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको कन्वर्टिबल या फिर मॉडिफाइड ऑटो रिक्शा के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मॉडिफाइड यानी कि बदलाव, आप अपने ऑटो रिक्शा को अपनी और पैसेंजर की सहूलियत के हिसाब से कन्वर्ट या फिर मॉडिफाइड करा सकते हैं दोस्तों कंपनी के द्वारा, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है। इसका लुक अगर आप देखें तो बड़ा ही स्टाइलिश और एडवांस दिखता है। दोस्तों, इस ऑटो रिक्शा के टॉप रूफ को देखें तो सबसे हटके इसका रूफ बनाया गया है दोस्तों, जो एक हैंडल के पास लगे बटन से ऑपरेट होता है, जिसके द्वारा इसे आप ओपन या फिर क्लोज कर सकते हैं दोस्तों, जिससे पैसेंजर को और ड्राइवर को एक कार का फीलिंग मिलता है। अब दोस्तों, इसके हम बैक को देखें तो बैक साइड में दो लाइट दी गई हैं जो कि LED लाइट हैं विद इंडिकेटर, और बैक साइड के आप ग्लास को अगर आप देखें तो इस ग्लास के अंदर भी LED पैनल दिया गया है, जिसके कारण आप इसमें विभिन्न कंपनियों के उत्पादों का एडवर्टाइजमेंट करके एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों, इंटीरियर डिज़ाइन को देखें तो दोस्तों इसके अंदर काफ़ी अच्छी लाइट का इस्तेमाल किया गया है। अगर आप यहाँ सीटिंग को देखें तो जिस प्रकार कार के अंदर आपको स्टैंडर्ड सीट मिलती है, उसी तरह से आपको इस ऑटो के अंदर भी आरामदायक और उच्च कोटि की सीट्स आपको यहाँ उपलब्ध होती हैं। इसके साथ साथ इसके अगर आप फर्श की तरफ देखें तो दोस्तों फर्श पे भी आपको LED लाइट्स देखने को मिल जाती है, जिसके कारण इसका जो फर्श पैनल है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। वहीं सीटिंग को अगर आप देखें तो सीट पर काफ़ी अच्छा कवर चढ़ाया गया है दोस्तों, जिस तरह से आपको कारों के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर भी लाइट की व्यवस्था है। इसके साथ साथ आप पैसेंजर सीट के सामने अगर देखें तो यहाँ पर एक LCD डिस्प्ले दिया गया है दोस्तों, जिसमें आप मीटर की सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। और यह इसका रूफ पैनल है जो ओपन और क्लोज इस तरह से हो जाता है दोस्तों। इसके अंदर जो लाइट का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों काफ़ी शानदार है। पैसेंजर सीट के साथ साथ अगर आप ड्राइवर सीट को भी देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की सीट का इस्तेमाल किया गया है दोस्तों। इसके साथ साथ ड्राइवर सीट की अपर साइड में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी एक LCD पैनल दिया गया है दोस्तों। इसको ऑन करने से आप इसमें अपने व्हीकल की तमाम जानकारियाँ, फ्यूल, स्पीड आदि से रिलेटेड सभी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो, जिससे यह एक लग्जरी ऑटो की तरह दिखता है दोस्तों। वहीं इसके अगर बैक को अगर हम देखें तो बैक साइड में भी दो लाइट बहुत ही शानदार दी गई हैं। इसके फ्रंट को अगर हम देखें तो फ्रंट में दो हाई पावर के हेडलाइट दी गई हैं दोस्तों, और साथ में दो इंडिकेटर हैं अपर साइड में। इस ऑटो को चलाकर अगर देखते हैं तो दोस्तों बिना किसी आवाज़ और शोर शराबे के यह ऑटो चलता है, जिसमें कोई नॉइज़ या वाइब्रेशन नहीं होता है। जिस तरह से इस ऑटो रिक्शा को सब दोस्तों डिज़ाइन किया गया है, उससे ऐसा लगता है कि इसे आप कई मोड पे चला सकते हो, जैसे कि पेट्रोल या फिर ई व्हीकल के ऑप्शन पर। इस ऑटो रिक्शा का अगर ओवरऑल हम लुक अगर देखें तो दोस्तों काफ़ी स्टाइलिश और शानदार है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसको सबसे हटके बनाता है वो है इसका रूफ पैनल। रूफ पैनल के साथ साथ ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट और इसके बैक में दिया हुआ LED डिस्प्ले, जिसके कारण ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में ड्राइवर सीट के पास अगर आप देखें तो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। इसमें एंटरटेनमेंट के लिए FM USB के साथ आप लोगों को प्राप्त होता है, जिसके अंदर आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हो। नाइट में इस ऑटो को चलाने का एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की अपडेट कन्वर्टिबल ऑटो रिक्शा से संबंधित। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट्स कर जरूर बताना, और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इंतजार कीजिए। नमस्कार।